नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। जी हां दोस्तों, 50% का जो है गिरावट होगा, इसमें एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा। इसका रिकॉर्ड डेट आया है, अपडेट आप लोगों को दिया हूं, फिर से यहां पे बताऊंगा। रिकॉर्ड डेट में इसके थोड़ा सा जो है लफड़ा हो गया है, थोड़ा सा कह लें कि दिक्कत हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे। कि बार बार लोग बोल रहे हैं कि 24 तारीख को इसका रिकॉर्ड डेट है, तो खरीदारी करने का लास्ट डेट तो 23 तारीख होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 24 तारीख को जो है शनिवार आ रहा है, छुट्टी का दिन आ रहा है, तो इस वजह से एक दिन सब कुछ पहले होगा। इसीलिए मैं अपनी एक वीडियो में 23 अगस्त को रिकॉर्ड डेट बताया था, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 24 अगस्त है, 24 अगस्त को छुट्टी है, तो एक्स डेट इसका जो रहेगा वो 23 अगस्त ही रहेगा। समझाता हूँ, देखिए, कंपनी ने 9 अगस्त 2024 को मार्केट क्लोज होने के बाद अपडेट दिया था कि जो हमने 1:1 के रेशियो में, इस तरह से 1:1 मतलब हर एक शेयर के बदले में एक शेयर बोनस का मिलेगा, टोटल 2 शेयर हो जाएगा, तो इसके लिए जो कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय किया है वो सैटरडे यहाँ पे 24 अगस्त 2024 का तय किया है। अब इसको जो बोलने के लिए तो चलिए ठीक है कि 24 अगस्त 2024 का रिकॉर्ड डेट है, लेकिन एक्स डेट मेन होता है ना, मेन एक्स डेट। देखिए, एक होता है रिकॉर्ड डेट जो कि यहाँ पे 24 अगस्त को तय किया गया, एक होता है एक्स डेट, ठीक है ना। एक्स डेट का मतलब हो गया कि जिस दिन बोनस एक्स डेट करेगा, जिस दिन एडजस्टमेंट होता है, जिस दिन गिरावट आती है, और जिस गिरावट के बारे में मैं अभी बोल रहा हूँ कि 50% की गिरावट होगी, वो गिरावट किस दिन होगी? वो गिरावट होगी 23 अगस्त को। 23 अगस्त को वो जो है 50% वाली गिरावट देखने के लिए मिलेगी, एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो फिर खरीदारी करने का कौन सा डेट हो जाएगा? खरीदारी करने का डेट हो जाएगा 22 अगस्त 2024। समझ रहे हो? तो रिकॉर्ड डेट इसका हो गया 24 अगस्त, एक्स डेट इसका हो गया 23 अगस्त। नॉर्मल एक ही दिन दोनों रहता है, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों एक ही दिन रहता है, लेकिन इसके केस में क्या है कि शनिवार को छुट्टी के दिन इसका रिकॉर्ड डेट है, इस वजह से इसका एक्स डेट एक ट्रेडिंग सेशन पहले, मतलब एक दिन पहले हो जाएगा ट्रेडिंग सेशन जो आएगा इसका। तो 23 अगस्त 2024 आ रहा है, तो 23 अगस्त का एक्स डेट हो गया एडजस्टमेंट वाला, और लास्ट खरीदारी करने का डेट, मतलब आप कभी भी खरीदारी करके आ रहे हो, अगर आप बोनस के लिए जाना चाहते हो, तो इसको 22 अगस्त तक 3:30 तक होल्ड करना पड़ेगा, 22 अगस्त के पूरे ट्रेडिंग सेशन जब तक क्लोज नहीं हो जाता मार्केट, तब तक इसको क्लोज करना, आपको होल्ड करना पड़ेगा, तब आपको बोनस मिलेगा। अगर इस शेयर को आप 23 अगस्त को बेच देते हो तो भी आपको बोनस मिलेगा, लेकिन अगर आप 23 अगस्त को इसको खरीदते हो तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, भले इसका रिकॉर्ड डेट 24 अगस्त को है, क्योंकि 23 अगस्त को जो शेयर खरीदोगे वो जाके अगले ट्रेडिंग सेशन में ना मिलेगा आपको, 26 अगस्त को मिलेगा, आपके डीमैट अकाउंट में आएगा, तो आपका तो नाम आएगा 26 वाली लिस्ट में ना। जो 22 को खरीदेगा बंदा, उसका नाम आएगा 23 वाली लिस्ट में, और 24 तारीख को रिकॉर्ड डेट है, तो उसका रिकॉर्ड डेट में नाम आएगा, ना कि 23 तारीख को खरीदने वाले का। क्योंकि 23 तारीख को खरीदोगे, 24 तारीख, 23 तारीख को खरीदोगे, 24 तारीख को डिलीवरी आपको मिलेगी ही नहीं छुट्टी के दिन, 24 तारीख को संडे पड़ जाएगा, 25 तारीख को फिर आपको मिलेगा 26 तारीख को, तो 26 तारीख को आपका नाम शेयर होल्डर के कैटेगरी में दिखेगा, तो फिर आपको बोनस कैसे मिल पाएगा, जबकि रिकॉर्ड डेट तो 24 है। 22 को खरीदोगे तभी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो 22 खरीदारी करने का लास्ट डेट, 23 तारीख एक्स डेट इसका रहने वाला, और 24 तारीख रिकॉर्ड, इस तरह से इसको समझिए। अब गिरावट क्या होती है, देखिए, गिरावट इसमें एडजस्टमेंट होगा, ये जो अब ये 22 तारीख को जो प्राइस रहेगा उसके हिसाब से आधा कर लीजिएगा, 22 अगस्त को जो भी प्राइस रहेगा इसका, ठीक है ना, उसको आप जो है आधा कर लीजिएगा। अभी के हिसाब से बताएं तो अभी जो है 2565 ट्रेड कर रहा है, तो 12 वही 22.5 इसका हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद देखेंगे तो ये 65 इसका हो गया, तो मान के चलिए कि 1250 1270 60 के आसपास इसका जो है एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर इसका प्राइस बढ़ के 3000 हो गया तो 1500 हो जाएगा, मतलब, और घट गया तो जो भी होगा, बस 50% की गिरावट, 50% का एडजस्टमेंट होगा। हालांकि ये भी होता है कि 23 तारीख को तेजी होती है नॉर्मल सभी शेयरों में, जिस दिन उनका एक्स डेट रहता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, 4% की तेजी देखने के लिए मिली है, 34 लाख वॉल्यूम भी अच्छा सा ट्रेड हुआ है, शेयर बढ़िया है, शानदार है, 12 स्ट्रेंथ 0 वीकनेस, 3 अपॉर्चुनिटी 0 एक थ्रेट्स, 81% क्राइटेरिया को फेल कर रही है कंपनी, टेक्निकल ट्रेंड इसका वेरी बुलिश, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग, 26,000 27,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली। आप लोगों को पहले से भी बताया हूँ इसमें कि आप खरीदारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
हर 23 रुपये के डिप पे मैं आप लोगों को खरीदारी करने के लिए सलाह दिया हूँ। और बोनस एंड स्प्लिट वाले पे भी वीडियो इसकी आती है, और इस पे भी 2200 के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करने के दिया था, मतलब 2600 मान के चलिए, 2600 पे ट्रेड करा, मतलब 300 रुपये का हम लोगों को यहाँ पे सीधा सीधा बेनिफिट हो रहा है जब से अनाउंस हुआ है। अभी भी 2800 तक का टारगेट दे सकता है, 2800 तक का हाल फिलहाल में टारगेट दे सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल का जो टारगेट रहेगा यही वाले रहने वाला है, देख लीजिएगा। बाकी और बातें बाद में होती रहेंगी, कोई आप लोगों का दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, कोई आप लोगों का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्यों एडजस्टमेंट क्यों होता है, जो मैं अभी बता रहा था, क्योंकि ये तो बोनस है, बोनस से मतलब नहीं है। मार्केट कैप इसका देखिए अभी 26,800 करोड़ का है ना, ये नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक शेयर के बदले में एक शेयर कंपनी दे देगी तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हो जाएंगे दो हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर। करेंट प्राइस अगर उतना ही रहेगा तो इसका मार्केट कैप 26 करोड़ से बढ़ के जो है वो 52 करोड़ हो जाएगा, 53 करोड़ हो जाएगा, 53,000 करोड़ का। तो ये मार्केट कैप ना बढ़ पाए इस वजह से इसके प्राइस को हाफ कर दिया जाता है, उसी रेशियो में एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी फेस वैल्यू जस का तस रहेगा, क्योंकि ये बोनस है, स्प्लिट रहता तो फेस वैल्यू को भी स्प्लिट किया जाता, देख लीजिएगा। बाकी ठीक है कंडीशन, आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, कोई अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा।